بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल. हम लोग असिस्टेंट FPSC BS16 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं. पार्ट वन में इंग्लिश पार्ट, पार्ट टू में हमने पाकिस्तान जो है सॉरी करंट अफेयर का पोर्शन किया. अब पार्ट थ्री है जिसमें हम पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक जो है पोर्शन को करेंगे. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है वन पेपर के प्रिपरेशन के लिए. MOD और FPSC के डिफरेंट पेपर में मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला MCQs है जी, द बुक मार्शल लॉ टू मार्शल लॉ इज़ रिटन बाय, तो सैयद नूर अहमद साहब इन्होंने ये लिखी है, द बुक मार्शल लॉ टू मार्शल लॉ. तो व्हेन डिड अलामा इकबाल डिलीवर हिज फेमस एड्रेस इन अलाहाबाद, तो ये बहुत ही आसान MCQs था. 1930 में उन्होंने डिलीवर किया था. हु प्रेजेंटेड द लाहौर रेजोल्यूशन 90, तो ये ए के अफजल फजल हक थे जो कि उनके थे सॉरी बांग्लादेश के बंगाल के शेर बंगाल भी कहते हैं, तो इन्होंने ये प्रेजेंट की थी. हु वाज द फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान, तो आपको पता है जुल्फकार अली भुट्टो थे जिन्होंने मतलब पहले जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर यही हैं, तो और इन्होंने ही 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया. तो कैद आजम स्टेड इन ज्यारत ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस, आपको पता है ज्यारत बलूचिस्तान में है. द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, तो यानी द्राविडियन यानी द्रावड़ असल में बेसिकली है ना इसके जो इंडस वैली के बेसिक हैं स्क्रिप्ट में. तो इसमें वो पूछ रहा है कि असल में इस स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है, तो इसका जी है द्राविडियन है. तो का शक्करपड़ियाँ कंसिस्ट ऑफ अ हिल एंड अ लोकल पार्क, इट इज सिचुएटेड इन इस्लामाबाद, आपको पता है शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद में है. विच क्रिकेट नेम अमंग विजडम 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, तो मोहम्मद रिजवान जी विजडम 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में मोहम्मद रिजवान है पाकिस्तान के. तो विच प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल बाबुल इस्लाम, तो आपको पता है जो कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में उन्होंने सिंध फतह किया, तो सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है यानी इस्लाम का दरवाज़ा. तो लवारी पास जो है ये कहता है कनेक्ट करता है, तो ये दीर को चतराल से करता है. इसी तरह ये मोस्टली MCQs आ जाते हैं कि जैसे कराकरम हाईवे पाकिस्तान को किससे जोड़ता है, तो खंजराब किससे जोड़ता, तो इस तरह के MCQs प्लीज़ ये भी याद रखें, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं. तो 71 की तरफ मूव करते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इज़ आल्सो नोन एज इमाम आज़म भी इनको कहा जाता है. द डे व्हेन पिलग्रिम्स स्लॉटर देयर एनिमल एंड सेक्रीफाई इज कॉल्ड, तो उसको यौमुल नहर कहते हैं जिस दिन कुर्बानी दी जाती है. द सेकंड अशरा 10 डेज ऑफ रमज़ान, तो उनको मगफरत का कहते हैं अशरा. देयर आर सूरा इन द होली कुरान, तो आपको पता है 114 सूरा हैं. सूरा रहमान को रुसुल कुरान यानी कुरान की यानी दुल्हन भी कहते हैं. सूरा अल इखलास जो कि 1/3 ऑफ कुरान के बराबर इसका सवाब है. द वेरी फर्स्ट रेवलेशन वाज मेड बाई द होली प्रॉफेट सल्लम एट द केव ऑफ हिरा, तो आपको पता है जो कुरान में पहली अल्लाह के नबी पे वही नाजल हुई, तो वो केव ऑफ हिरा पे हुई थी. द अमाउंट कलेक्टेड ऑन द अकाउंट ऑफ ज़कात मे बी यूटिलाइज अंडर हेड्स इंस्टीट्यूशन विच आर कॉल्ड, तो उसको कहते हैं मुसारफ़े ज़कात. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी पूछा जा सकता है मुसारफ़े ज़कात कितने हैं, तो ये 8 हैं. तो मुअज़्ज़तैन मीन, तो सूरह इखलास और सॉरी सूरह फलक और सूरह नास को मुअज़्ज़तून यानी मुअज़्ज़तैन भी कहते हैं, यानी कि ये दो सूरह ताउज करके ऊपर दम करके पढ़ी जाती हैं. तो द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक शरिया इज कॉल्ड, तो कंसेंसस जिसको अजमा भी बोला जाता है, ये इस्लाम का थर्ड सोर्स ऑफ शरिया है. और यही इस्लाम के दीन होने की खूबी भी है कि ये जो है इसके अंदर कंसेंसस भी है, इसलिए ये बहुत इसके दीन होने की सबसे बड़ी दलील है कि जो मज़हब होता है वो आपको पता है रिजिड होता है, लेकिन दीन जो होता है वो जो रिजिड नहीं होता बल्कि वो अकॉर्डिंग टू द सर्कमटेंसेज एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अपने अंदर इतनी एक्सपेंशन रखता है कि वो इजमा के थ्रू उसको किसी भी मसले का हल निकाल लेता है. तो थैंक यू सो मच देखने का. अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्यूटर का पोर्शन करेंगे. फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़.